हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी ट्रेड्समैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जो है 2017 में वैकेंसी आई थी, 2021 आ गया है। हमारे बहुत सारे साथी जो है वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे के इंतज़ार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि आपका रिज़ल्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और रिज़ल्ट अब कभी भी आपका डिक्लेयर हो जाए, लिस्ट आएगी। लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स आईटीबीपी को सेलेक्ट करने हैं प्लस 20% एक्स्ट्रा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि मेरिट पहले आएगी या मेडिकल पहले आएगा। देखिए, मेरिट पहले आएगी, 120% कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, उसमें से 100 कैंडिडेट जो हैं 100% जिसको वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनका सेलेक्शन लिस्ट होता है और 20% कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट होता है। जो सेलेक्शन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल फिट होते ही वो भर्ती हैं, लेकिन उसमें से यदि कोई कैंडिडेट अनफिट हो जाता है तो उनको मौका मिलेगा रीमेडिकल का। रीमेडिकल की अपील कैसे करनी है, अब उसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे, रीमेडिकल कैसे करना है। रिज़ल्ट के लिए अभी अपडेट ये है कि रिज़ल्ट आपका कभी भी डिक्लेयर हो जाए, आज भी डिक्लेयर हो जाए, कल हो जाए, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है रिज़ल्ट। पूरी तरीके से पूरी कंप्लीट तैयारी इसकी हो चुकी है, रिज़ल्ट आपका बन चुका है। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कट ऑफ। उससे पहले देखिए, वैकेंसी की हम बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी तो आपने पहले जब फॉर्म फिल किया है ये आपकी वैकेंसी है। अब इसमें कि यहाँ पर एक डाउट ये भी है कुछ कैंडिडेट्स का कि एक्सपीरियंस लेटर जो है वो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके हुए नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अब आपके चेक होंगे और एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। तो कहाँ का होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर की। तो टेलर की 19 वैकेंसी है। अब उसमें यूआर का जो है वो देखिए कट ऑफ हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यूआर के हमारे पास में कैंडिडेट्स के कमेंट जो है वो ना के बराबर आए हैं। लेकिन हम आपको एसटी का यहाँ पर बता सकते हैं कि एसटी में यदि आपने टेस्ट दिया है तो इसका मतलब आपका चांस हो गया है। टेस्ट देने मात्र से ही आपका चांस हो गया है कि अब आपको कितना बन रहा है, ये नहीं आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका चांस बन रहा है, क्योंकि कैंडिडेट ही इतने ही हैं वहाँ पे कि जो एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर रहे हैं वो उनका नंबर आ जाएगा। ओबीसी में यदि आपको जो हमारे पास में कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आपको 60+ हो रहा है तो आपका चांस है, यहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, देखिए फीमेल का। तो फीमेल के हमारे पास में कमेंट्स जो हैं वो आए हैं उसके अकॉर्डिंग यूआर और ओबीसी की एक वैकेंसी है। 70+ यदि क्रॉस हो रहा है तो उनका चांस होगा, क्योंकि कमेंट्स, अब कमेंट्स आप लोग जो करते हैं वो देखिए सही करते हैं गलत करते हैं, अब उसके बारे में हम नहीं जानते, जो आप बताते हैं वही हमें मानना होता है। और इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो छोटी वैकेंसी होती है उसमें कट ऑफ निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ की एसएससी जीडी जैसी वैकेंसी में भी जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो गलत हो गया। उसकी वजह यह है कि जो आप लोग नंबर बताते हैं बहुत सारे कैंडिडेट सही नहीं बताते हैं। अब ये वैकेंसी जो है ये देखिए, ये वैकेंसी भी आपकी प्लस हो चुकी है, वैकेंसी जो थी वो 2 गुना हो चुकी है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन से रेडी रखने हैं, उसमें आपको आपका 10th क्लास प्लस आपका ओबीसी, आपका डोमिसाइल, इसके साथ ही आपका यदि आपने 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस किया है तो वो आपको रेडी रखना है। अभी तक आपके पास में यदि नहीं है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि आप रिज़ल्ट आने के बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वहाँ पर एक गलती आपसे हो सकती है कि वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपका जब वैकेंसी की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। वैकेंसी की लास्ट डेट क्या थी, वैकेंसी की लास्ट डेट थी 7 सितंबर 2017। 7 सितंबर 2017 से भी 1 महीने 2 महीने पहले का होना चाहिए कि जब आपका वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ गया था उससे पहले का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लास्ट डेट होना चाहिए, वरना इसमें भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। जैसा आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती में ऑब्जेक्शन आया
कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डेट फिक्स किया कि उससे पहले का नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो देखिए उससे पहले का नहीं बन सकता, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर जो है वो तो आप कहीं भी होटल से बनवाते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन से बनवाते हैं, आप कैटरिंग ठेकेदार से बनवाते हैं, आप नर्सरी से बनवाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर वाला बनवाते हैं 50 रुपये वाला, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका नुकसान कर सकता है, सारी मेहनत आपकी बेकार कर सकता है। तो दोस्तों जो रिज़ल्ट का जो डाउट है वो आपका क्लियर होने वाला है। रिज़ल्ट ये सपोज समझ लीजिए आप कि आज कल परसों कभी भी रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए, आप ITBP की साइट को चेक करते रहिए। साइट नहीं चलती है, कई बार कैंडिडेट्स को ये डाउट हो जाता है कि साइट नहीं चल रही है, तो वो साइट रिज़ल्ट अपलोड होता है इसलिए नहीं है कि वो रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है इसलिए नहीं चल रही है। साइट नहीं चलने की वजह होती है कि साइट की मेंटेनेंस चलती है, रिज़ल्ट अपलोड होने के लिए साइट को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिज़ल्ट जैसे ही अप्रूव होता है, अप्रूव होने के विदिन 30 मिनट्स वो साइट पर आ जाएगा, लिस्ट आपकी साइट पर आ जाएगी, रोल नंबर वाइज लिस्ट आएगी। तो आपको मार्क्स देखिए, अब कट ऑफ की बात अपन करते हैं तो कट ऑफ आपको खुद को पता है। अब वाटर कैरियर में तो 85 वाले कैंडिडेट जो हैं वो भी कमेंट करते हैं, तो हम कट ऑफ आपको किस आधार पर बता दें? जहां कट ऑफ जेन्यून हमें लग रहा है वहां पर देखिए 70-65 यदि ये आप क्रॉस कर रहे हैं सभी ट्रेड्स में ऑलमोस्ट, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी चाहिए। बाकी कट ऑफ जो है कोई ज्योतिषी भी कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता, कट ऑफ उस दिन पता चलती है जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपका रिजल्ट आता है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने मार्क्स ज़्यादा बताते हैं, सही मार्क्स कैंडिडेट कमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से आपको बता दें कि कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रिज़ल्ट आपका कंप्लीट है, ऐसी जानकारी हमें मिली है कि रिज़ल्ट आपका विद इन डेज यानी कभी भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए तो आप। अब मेडिकल जो है वो देखिए अभी तुरंत मेडिकल शुरू होना मुश्किल है, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन जो चल रहा है उसकी वजह से सारी भर्ती प्रक्रिया वगैरह जो है वो फिर रोक दी गई है। तो आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, अच्छे कितने बन रहे हैं टेलर में, जहाँ पर बताया मैंने आपको कि 65 भी अच्छा है, लेकिन टेलर में ST जो है वो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी का चांस बन रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स। लेकिन ये बात है कि आपको यदि 65-70 ये सब आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपका चांस बनता है यहाँ पे आप अपने मेडिकल की और अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप रखिए, आपका चांस बन रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जय हिंद।